सिंह चौहान रहेंगे, गौशाला का भ्रमण करेंगे सीएम शिवराज और विकास कार्यों की सीएम डिंडोरी को सौगात देंगे। 18 करोड़ की लागत से बालक बालिका विद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे और लाडली बहना योजना के सम्मेलन में भी शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। महिलाओं से मुलाकात करेंगे और संवाद करेंगे राज्यपाल मंगू भाई पटेल, पेसा एक्ट की जानकारी भी देंगे। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये अहम कार्यक्रम है, ये खास कार्यक्रम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो डिंडौरी जिले के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। हमारे सहयोगी कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अधिक जानकारियों के साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे, किस तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा खास रहने वाला है और क्या कुछ विकास परियोजनाओं की सौगात यहां पर क्षेत्रवासियों को मिलने वाली है? देखिए, लगातार महाकौशल ये वो क्षेत्र है, 2018 में महाकौशल क्षेत्र में बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ था और हम लगातार ये देख रहे हैं कि विंध और महाकौशल क्षेत्र में, क्योंकि बीजेपी की जो सर्वे रिपोर्ट आई है इसमें विंध और महाकौशल में बीजेपी को झटका लग सकता है 2023 के विधानसभा चुनाव में। ऐसी स्थिति में लगातार इन क्षेत्रों के दौरे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज डिंडोरी के दौरे पर रहेंगे और उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी रहेंगे। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो डिंडोरी जिले के भ्रमण के दौरान गौशाला का भ्रमण भी मुख्यमंत्री करेंगे, विकास कार्य की एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। 18 करोड़ की लागत से बालक बालिकाओं के विद्यार्थियों का जो विद्यालय बनाया गया है इसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पुलिस लाइन पहुंचकर लाडली बहना योजना के सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी जो है इस कार्यक्रम के तहत पैसा एक्ट की जानकारी डिंडोरी में देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही मंच के बीच से वॉकिंग रोपवे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संवाद के लिए बनाया गया है। डिंडोरी और महाकौशल ये वो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आदिवासियों को साधने की कवायद भी लगातार बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, इसलिए इस कार्यक्रम में जो है राज्यपाल मंगूभाई पटेल मौजूद रहेंगे और लगातार जो है बीजेपी की सरकार आदिवासियों के बीच पहुंचकर उनके हित कार्य करती हुई नजर आ रही है। तो आज एक ये बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल का डिंडोरी का देखने का मिलेगा और कई ऐसी बड़ी सौगातें, लोकार्पण, शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे और 10 जून से जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की जो राशि है वो आना शुरू हो जाएगी, इसके तहत आज जो है मुख्यमंत्री इस महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज कई विभागों की बैठकें भी करेंगे और कई बड़े दिशा निर्देश अधिकारियों को दे सकते हैं। जी बिल्कुल कुलभूषण, जिस तरीके से जानकारी आपने दी है, मुख्यमंत्री का दौरा अपने आप में काफ़ी खास रहने वाला है और क्षेत्रवासियों को, डिंडौरी जिले को भी कई सौगातें यहाँ पर मिलने की संभावनाएं हैं। आप बने रहे कुलभूषण हमारे साथ खबरों